So this is the question number 10. Find the equation of the circle passing through the point 4 comma 1 and 6 comma 5 and whose center is on the line 4x plus y equal to 16. Center jo hai wo hame given hai ki is line ke upar lie kar raha hai 4x plus y equal to 16 ke upar. So hame find karni hai equation of the circle. Equation of the circle ke liye hame सेंटर चाहिए, हमें रेडियस चाहिए. तो दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है, बट द अदर इंफॉर्मेशन आर गिवन टू अस. तो हम जो है ले लेते हैं कि लेट इट्स सेंटर बी एच कॉमा के. हमने ये मान लिया कि सेंटर जो है वो हमें गिवन है एच कॉमा के. अब हमें जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो निकालनी है, जो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, दैट वी आर टू फाइंड आउट. और पॉइंट्स हमें गिवन है कि 4.1 और 6.5 से जो है हमारा जो सर्कल है दैट इज पासिंग थ्रू. तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारी कह लो कि इक्वेशन है सर्कल की, हमें फॉर्मूला पता है उसका, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अब ना मेरे पास यहाँ पे रेडियस है, ना मेरे पास यहाँ पे सेंटर है, तो हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे. लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन of circle is x minus h whole. पहले इसका सेंटर लेट कर लो. लेट सेंटर ऑफ सर्कल इज h कॉमा k. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. तो ये हमने इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है. अब हमें h चाहिए, हमें k चाहिए, तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट. h और k की वैल्यू आ गई, तो वी कैन फाइंड आउट द रेडियस यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज गिवन थी दैट वॉज गिवन की जो पॉइंट है सर्कल जो है दैट इज पासिंग थ्रू 4.1 एंड 6.5. अब क्योंकि सर्कल जो है इन पॉइंट्स से पास कर रहा है, इट मींस दीज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल. तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन पॉइंट्स को सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे. तो पहले हम ले रहे हैं 6.5. सिंस सर्कल 1 पासिस थ्रू फोर कॉमा वन एंड 6.5, देयरफोर ये दोनों इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी, 36 प्लस एच स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया. लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, 4 और 1 से रिप्लेस करेंगे एक्स और वाई को, तो 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ पे भी सेम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोल लेंगे, तो 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8 एच प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों की राइट हैंड साइड्स जो है वो सेम है. अब राइट हैंड साइड्स सेम मींस लेफ्ट हैंड साइड्स विल आल्सो बी सेम. सो इक्वेशन 2 एंड 3 इंप्लाइज, इक्वेट कर देंगे हम, 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12 एच प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10 के, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट this will be 16 plus h square minus 8h plus k 1 plus k square minus 2k. अब देखो k square h square positive था on the right hand side, also on the left hand side, तो ये आपका cancel out हो गया, ये दोनों हमने cancel out कर दिए. moving on to the next one. बेटे ये हरनूर नेम से कौन है, सो ये चीज आ गई हमारे पास. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास h और k की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी. सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताइए इसको क्या आएगा हमारे पास. यहाँ पे 2k है,
नॉट स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करो जल्दी से, इक्वेशन बताओ मुझे क्या बनेगी। ये वाली टर्म्स मैं उधर लेके जा रही हूँ, दिस इज इक्वल टू, हरी अप। फोर एच प्लस एट के इज इक्वल टू 44, तो ये हो गया आपका एच प्लस टू के इक्वल टू 11। फोर से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय फोर, एच प्लस टू के इज इक्वल टू 11। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर फोर। यहां तक कोई डाउट तो यू कैन आस्क, आप अपने तरीके से कर लेना। मैंने ए इक्वल टू बी को बी इक्वल टू ए की फॉर्म में लिख के देन फोर से मल्टी डिवाइड कर दिया बोथ साइड, सो फर्स्ट जो है फोर्थ इक्वेशन मेरी इसमें बन गई एच प्लस टू के इज इक्वल टू 11। अब सेम चीज, एक और मुझे इक्वेशन चाहिए एच और इसकी फॉर्म में, ताकि मैं एच और के की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकूं। तो अब मुझे इस वाले उस पे आना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है कि जो सेंटर है दैट लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अब क्योंकि सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट विल सेटिस्फाई दिस लाइन, तो एच कॉमा के हम इसमें पुट करेंगे। ऑल्सो एज सेंटर लाइज ऑन 4x plus y equal to 16, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 4 x को रिप्लेस करोगे h से, y को रिप्लेस करोगे k से, दिस इज इक्वल टू 16। सो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 5, 4h plus k इज इक्वल टू 16, 4h plus k is equal to 16. Amish, is this you? Unmute yourself because class aapki 9th C likhi hui hai instead of plus 1. So I have to check whether this is you or some fake entry. Unmute yourself, Amish, if it's you. Otherwise, I am removing whosoever is this. No, ma'am, wo by mistake ho. Okay, fine, fine. It's okay. सो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई, 4h plus k is equal to 16. तो ये दो इक्वेशंस आ गई, अब इनको आप सिंप्लीफाई करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ h एंड k, h और k की वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। तो चाहे तो आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेना, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस h k की जो वैल्यूज आएंगी 4 1 या 6 5 के साथ, दैट विल बी योर रेडियस। उसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जल्दी से इक्वेशन 4 एंड 5 सॉल्व करो एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ एच एंड के। इक्वेशन 4 एंड 5 लाइक यू सॉल्व इन 10th स्टैंडर्ड, कोई भी एक मेथड यूज करके इसको सिंपलीफाई कर लो। एच 3 के 4, ओके, एच इज 3 एंड के इज 4। अब हम आर निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लो या वहां पे ले लो आप 3.4 डिस्टेंस फॉर्मूला ले लो। सो डिस्टेंस ओ ए इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज रूट 10। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया रूट 10। अब वैल्यूज पुट कर दो, h 3 है आपके पास, k 4 है, सो यू विल बी हैविंग दिस x माइनस h होल स्क्वायर। पुट h कॉमा k कॉमा r इन इक्वेशन 1, सो दिस विल बी x माइनस h यानी कि 3 होल स्क्वायर, y माइनस k यानी कि 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि रूट 10 का स्क्वायर। So this is x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square
इज इक्वल टू 10। अब एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो इसमें कि आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो या आप इसको सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी वाली फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो। दैट इज योर चॉइस। इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क। मेथड में एक बार दोबारा बता देती हूँ। हमें गिवन था सर्कल के ऊपर जो है दो पॉइंट्स, कह सकते हो आप कोई भी पॉइंट्स गिवन है, यानी कि सर्कल इन पॉइंट्स से पास कर रहा है। और सेकेंड चीज हमें गिवन थी कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है दैट लाइज ऑन दिस लाइन। हमने क्या किया, सेंटर ऑफ द सर्कल एच कॉमा के मान लिया। पॉइंट्स हमें गिवन थे तो जिनसे सर्कल पास कर रहा था, रेडियस हमने आर मान लिया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने सर्कल की यूज की, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन आ गई और 6 5 और 4 1 सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं, तो हमने जो है यहाँ पे इन पॉइंट्स को पुट किया, क्योंकि अगर ये सर्कल पे लाए कर रहे हैं तो दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब क्योंकि सेम सर्कल की इक्वेशन थी वो, तो आर दोनों का सेम था, राइट हैंड साइड दोनों की सेम थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों की इक्वेट की, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वेट करके हमारे पास एच और के की टर्म्स में एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमें गिवन थी कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो है दैट लाइज ऑन दिस लाइन। अब क्योंकि सेंटर इस लाइन पे लाए कर रहा है तो वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे, आपके पास एच और के की वैल्यू आ जाएगी। एच और के की वैल्यू आ गई, सेंटर आ गया, एक पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला से यू कैन फाइंड आउट द रेडियस, रेडियस आ गया आपके पास, देन इसमें पुट करो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली सेम, दैट इज योर होमवर्क पार्ट। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 इज योर होमवर्क पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। अब इसका रेडियस जो है हमें 5 यहाँ पे गिवन है, whose center lies on x axis। अब देखो center x axis पे कहीं पे भी lie करे, उसका जो y coordinate है that will always be zero। तो हम मान लेंगे कि center जो है that is lying at the point h comma zero, k की value zero हो गई because that is lying on the x axis। x axis पे we know that the y coordinate is zero and passes through the point 2 comma 3। और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2 कॉमा 3 से। अब हमें सेंटर गिवन है, 1 पॉइंट ऑन द सर्कल गिवन है, और जो रेडियस गिवन है, नॉट द सेंटर, सेंटर की कंडीशन गिवन है दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो, यानी कि हम सेंटर के जो भी पॉइंट्स अज्यूम करेंगे दैट विल बी ऑफ द फॉर्म एच कॉमा जीरो। अब रेडियस इसमें हमें गिवन है, रेडियस 5 गिवन है, पासिस थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 3 गिवन है, और सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो सेंटर विल बी ऑफ द फॉर्म एच कॉमा जीरो। वट वी आर टू फाइंड आउट, वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अगेन क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी एच कॉमा जीरो, फर्स्ट लाइन बन जाएगी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा। सो इक्वेशन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस k की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमें 5 गिवन है, तो ये बन गया 25। अब क्या कह रहे हैं वो, दैट दिस पासिस थ्रू 2 कॉमा 3। तो अगेन 2 कॉमा 3 जो पॉइंट है वो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स और वाई को आप रिप्लेस कर दोगे 2 और 3 से। सेम मेथड है पहले वाला, बस यहाँ पे हमें आर गिवन है, तो यहाँ हम ले लेंगे सिंस 2 कॉमा 3
lies on circle. Therefore, it will satisfy its equation. So we will be having 2 minus h whole square plus 3 whole square is equal to 25. Simplify karo aur h ki value nikal lo. A minus b ka formula lag jayega. सिक्स एंड टू जो है वो आपके इसके फैक्टर्स बनेंगे. सिंप्लीफाई करो और वैल्यूज निकाल लो. h की वैल्यू आ जाएगी 6 और माइनस 2. तो दोनों वैल्यूज हमने लेके चलनी है क्योंकि सेंटर इसका कहीं पे भी हो सकता है. अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन h इज 6 एंड व्हेन h इज माइनस 2 दोनों लिखनी है आपने. क्योंकि रेडियस 5 गिवन है तो लेफ्ट पे भी लाई कर सकता है एक्स एक्सिस के और राइट पे भी लाई कर सकता है. सो दिस विल बी एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस ओनली. एच इज माइनस 2 तो इट विल बी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर equal to 25. So these two are the required equations of the circles. So this was your question number 12. Now question number 13. अब ध्यान देना यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0. इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें निकालनी है, सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, 0 0 से, एंड मेकिंग इंटरसेक्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. उससे पहले इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. अब इट मींस मुझे जो है सर्कल के ऊपर लाए करने वाले 3 पॉइंट्स गिवन है. देखो क्या कह रहे हैं वो कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सर्कल एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है, so it will be somewhat like this. इधर हो सकता है, flip होके इधर भी हो सकता है, down भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है. Given है सिर्फ ये कि एक तो center से pass कर रहा है, यानी कि एक point हो गया 0 0 and making intercepts A, तो ये point हो जाएगा A 0 and B ये point हो जाएगा 0 B. तो ये 3 points जो है हमारे पास हमें given है. And we are to find the equation of the circle. Equation of circle हमने निकालनी है. Again, मुझे नहीं पता इसका center क्या है, तो center हम h, k मान लेंगे. We are to find the value of h, k. Then जो इसका radius आएगा, that will be root h square plus k square. So let the required equation be x minus h whole square, y minus k whole square is equal to r square. अब points 0 0, a 0 and 0 b lies on the circle. तो ये इसकी equation को satisfy करेंगे. तो first one will be h square plus k square is equal to r square. 0 0 पॉइंट से लिखोगे ऐसे ही, सिंस 0 0 लाइज ऑन द सर्कल देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन. उसके बाद सिंस a 0 लाइज ऑन द सर्कल, तो a माइनस h होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर.
and b comma 0 comma b lies on the circle. So x square plus y minus b minus k whole square is equal to r square. अब h, k और r जो है ये हमारे पास अननोन्स हैं, थ्री अननोन्स, थ्री इक्वेशंस. तो आपने साइमल्टेनियसली टू टू इक्वेशंस को लेके चलना है एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, k एंड r. तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं, तीनों की राइट हैंड साइड्स इक्वल है. एक बार ये पेयर लो, एक बार ये पेयर लो, एक बार ये पेयर ले लो एंड देन रिलेशन आ जाएगा आपका h, k के बीच में. And then you will simplify. A or B jo hai, that will be treated as constants. Ab maine yahan pe ek mistake ki hai. Can you find out that what mistake I have made in equation number 2 and 3? Equation 2 and 3 mein I have made one mistake. Rectify that quickly. A comma 0. Third mein h square aayega. Very good. And the second one? K square. Yeah, it will be k square. Kyunki x aur y ko hum replace kar rahe the. तो h और k की टर्म्स में आएगा. तो तीन आपके अननोन्स हैं h, k एंड r, और a और b विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स. तो इनकी पेयर वाइज इनको लेके यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k एंड r. सो दिस यू विल डू योरसेल्फ. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 14 में वी आर गिवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2 2 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 5. दिस इज अगेन क्वाइट सिंपल. हमें गिवन है इसका सेंटर 2 2 पे है, पासिस थ्रू 4, 5. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप रेडियस निकाल लोगे, सेंटर आपको गिवन है, इक्वेशन जो है सर्कल की यू विल फाइंड आउट. एंड क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इन साइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो सेंटर ऑफ सर्कल मुझे 0 0 मिला और रेडियस कितना मिला, 5 मिला. सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 0, रेडियस इज 5. अब मुझे पॉइंट जो है वो बताना है कि दैट लाइज इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल. पॉइंट है -2.5 एंड 3.5. तो -2.5 और 3.5 का हम सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे. अगर ये डिस्टेंस रेडियस से लेस है पॉइंट विल बी इनसाइड, रेडियस से बड़ा है तो पॉइंट विल बी आउटसाइड. रेडियस के इक्वल है, 5 आता है तो पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल. तो आपने क्या करना है, बस ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड कंपेयर इट विद द रेडियस. ये क्वेश्चन आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. अब वैसे मैंने आपको आई थिंक मॉर्निंग में एक वीडियो भेजी थी, इफ anyone has not seen that, so I'm just playing that right now. कोई डाउट हुआ बीच में तो यू कैन आस्क फॉर दैट. यू हैव टू वेट फॉर 1 मिनट. Comic sections. In this module, you will learn about comics. Is the video visible, bachche? When a straight line intersects a vertical line at a fixed point, okay, and rotates about that fixed
point, the surface obtained is called a double one circular cone. A double one circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator, and the line that remains fixed is called the axis. A round circular cone has a circular base, and its axis is always perpendicular line from the center of the base to the vertex. This is a right circular cone. The perimeter of the base is called the directrix. The lateral surface of a round circular cone is called a map. A double round circular cone has two naps. The nap above the vertex is called the upper nap, and that below the vertex is called the lower nap. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. This is alpha. Conic sections. If a plane intersects a double right circular cone, we get two dimensional curves of different types. These curves are called conic sections. Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the plane can cut the cone in three different ways. जो एंगल अब आपको शो कर रहे हैं, दिस वन इज बीटा, जो कल आपको मैंने बताए थे. When the plane intersects the double right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. Thus, a circle is a special type of ellipse, parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola at the intersecting surface of the cone, hyperbola. The plane intersects only one half of the double white circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the naps of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has two disjoint curves, degenerate conics. If the plane intersects the double right circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point. The parabola becomes a line. And the hyperbola becomes two intersecting lines. The figures so obtained are called degenerate conics. In this module, we have learned that when a plane intersects a double right circular cone, two-dimensional curves called conic sections are formed. There are three types of conic sections: ellipse, parabola, and hyperbola. When the double right circular cone is cut by the plane so that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, the ellipse is obtained. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse changes into a circle. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is equal to the vertex angle, the parabola is formed. If the double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis
is less than the vertex angle, the hyperbola is formed. If a plane intersects the double white circular plane of its vertex, the figures form the pole. My job is to make college easy because students have a lot. So I hope this one is clear to you. I have sent you this in your WhatsApp group also. If any doubt will be there, then you can ask your queries. So this was all in today's lecture. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, the time is over. So I'm ending the meeting. Any kind of doubt, you can ask.